जी, मेरा नाम प्रोफेसर मसूद सादिक है, मैं बच्चों का हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। बच्चों की दिल की बीमारियों के हवाले से मैं चाहूँगा कि मैं आपको एक पैगाम दूँ। जितने भी पैदायशी नुक्स में होते हैं, दिल की बीमारियाँ सबसे कॉमन नुक्स हैं, और पाकिस्तान में हर 100 में से तकरीबन एक बच्चा दिल की बीमारी के साथ पैदा होता है। तो हर साल 40 से 50 हज़ार बच्चे दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। बच्चों में दिल की बीमारियां जो पैदायशी नुक्स होता है वो दो तीन तरह से होता है। एक वो बच्चे हैं जिनके दिल में सुराख होता है, ये सुराख दिल के नीचे वाले पर्दे में भी हो सकता है, दिल के ऊपर वाले पर्दे में भी हो सकता है, और बाज़ बच्चों में एक से ज़्यादा सुराख होते हैं। दूसरी वो बीमारी होती है जिसमें सुराख के अलावा बच्चे के दिल का कोई वाल्व तंग हो सकता है या वाल्व लीक हो सकता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों में इससे ज़्यादा मसला भी होता है कि वाल्व की तंगी के अलावा या सुराख के अलावा दिल की शरियाने उल्टी हो सकती हैं, या दिल मुकम्मल बना नहीं होता कि दिल का एक कोई एक हिस्सा छोटा रह गया या बड़ा रह गया, या जो दिल की शरियाने वापस दिल के अंदर आ रही हैं उनका रास्ता उल्टा हो गया या टेढ़ा हो गया। खुशकिस्मती ये है कि मेजॉरिटी बच्चों में बच्चों के दिल की बीमारी मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है, और इसमें दो तीन तरीके से हम इन बच्चों का इलाज करते हैं। एक मेडिसिन से, दवाई से, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें सुराख अगर छोटा हो या दरमियाने साइज़ का हो तो ये मेडिसिन से ही रिकवर कर जाता है। लेकिन अगर ये सुराख बड़ा है या दिल का कोई वाल तंग या लीक है या खुदा ना खास्ता दिल मुकम्मल नहीं बना या दिल की शरियाने उल्टी लगी हुई हैं, तो फिर अक्सर इन बच्चों को या एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे बच्चों में हम ये सुराख एंजियोग्राफी से बंद करते हैं या ये वाल्व एंजियोग्राफी से खोलते हैं। और मेजॉरिटी बच्चों को जिनमें इस इलाज की ज़रूरत होती है उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये ऑपरेशन आम तौर पर हम बच्चे की कंडीशन के मुताबिक डिसाइड करते हैं कि किस उम्र पे होगा या किस तरह का होगा। अगर बच्चे की बीमारी इस तरह की है कि उसको जल्दी ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऐसा ऑपरेशन इवन पैदाइश फौरन बाद भी मुमकिन है कि हम अगर बच्चे के दिल का वाल्व 98% बंद है तो आपको उसको एंजियोप्लास्टी के ज़रिए खोलना है, तो वो आप एक दिन के बच्चे में भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता बच्चे के दिल की शरियाने उल्टी लगी हुई हैं और उसमें बच्चे को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ये ऑपरेशन आप पैदाइश के फौरन ही कर सकते हैं। देखिए, जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो माँ बाप को ऑब्वियसली एक बहुत खौफ पैदा होता है, उनमें एक पैदा होती है। मैं आपको ये श्योर करना चाहता हूं कि मेजॉरिटी बच्चों में ये ऑपरेशन कामयाब होता है। अब डिपेंड करता है कि ये ओपन हार्ट सर्जरी है या क्लोज हार्ट सर्जरी है, और ऑब्वियसली ऑपरेशन का रिस्क उसके मुताबिक होता है। एक दो और बहुत अहम बातें मैं आपसे करना चाहूंगा। एक तो ये इन बच्चों में अलामात क्या होती है और इनकी तशखीस कैसे होती है। देखिए, आजकल बच्चों के दिल के नुक्स को हम माँ के पेट में ही तशखीस कर लेते हैं, इसको हम फीटल एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो अभी जब बच्चा माँ के पेट में 18 हफ्ते का या 20 हफ्ते का होता है तो आप इसकी तशखीस माँ के पेट में कर सकते हैं, और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनकी अगर बरवक्त तशखीस हो जाए तो उनका इलाज या तो माँ के पेट में शुरू हो जाता है या पैदाइश के फौरन बाद शुरू हो जाता है, और फिर ये डिसीजन करना आसान होता है कि माँ की डिलीवरी कहाँ पर होगी। पैदाइश के बाद जो हम तशखीस करते हैं उसमें माँ बाप को कुछ अलामात का पता होना ज़रूरी है। अगर ये बच्चा बहुत छोटा है, अभी पैदा हुआ है, तो अगर बच्चे का रंग नीला काला हो रहा है, उसका सांस उखड़ रहा है, उसको दूध पीने में मुश्किल हो रही है, वो छोड़ छोड़ के दूध पीता है, अगर उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे बच्चे में ये अलामात दिल की बीमारी की अलामात हो सकती हैं, और ऐसे बच्चों को आपको फौरन अपने बच्चों के डॉक्टर को दिखाना है। तशखीस के हवाले से अब माशाल्लाह पाकिस्तान के अक्सर जगहों पे इन बच्चों की तशखीस के डॉक्टर मौजूद हैं। अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखें तो जितने भी शहर हैं, खा वो पंजाब है या पंजाब से बाहर है, तो बड़े शहरों में ये तशखीस अब मुमकिन है, क्योंकि बच्चों के दिल के सेंटर मौजूद हैं या वैसे बच्चों के दिल चिल्ड्रन हॉस्पिटल मौजूद हैं, और वहाँ पर इन बच्चों के लिए जो बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो ये तशखीस कर सकते हैं। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है वो अभी भी मैम ये कहूँगा कि थोड़ा लिमिटेड है, क्योंकि हर जगह पे इन बच्चों की सर्जरी अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन बड़े शहरों में, बड़े सेंटर्स में जैसे कराची,
लाहौर है या रावलपिंडी है, तो वहां पे इन बच्चों की सर्जरी मुमकिन है। एक और चीज में अहम चीज जो माँ बाप को ये कहना चाहूंगा कि ये बच्चे जब इनका इलाज हो जाता है, जब आप इनका सुराख बंद कर देते हैं या इनका वाल्व खोल देते हैं या इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो जाती है, तो ये नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% बच्चे जब एक दफा ऑपरेट हो जाते हैं तो ये एक नॉर्मल लाइफ स्पैन, ये नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं। तो इसलिए आपको इस हवाले से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अक्सर बच्चों में बाकी जिंदगी में दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम तादाद में बच्चे हैं जिनको ऑपरेशन के बाद दवाई की जरूरत पड़ती है, वरना मेजॉरिटी बच्चों को आप टोटली मेडिकेशन से भी ऑफ कर लेते हैं और वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। प्राइवेट सेटअप में जाहिर है इसके ऊपर सिग्निफिकेंट कॉस्ट इन्वॉल्व्ड है और पेरेंट्स के लिए बाज दफा ये मुमकिन नहीं होता कि वो इस बच्चे की ट्रीटमेंट करवा सकें। इसीलिए ये इदारे जैसे पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन या और इस तरह के कुछ इदारे हैं जो इन बच्चों की मदद करते हैं, और ऐसे बच्चों की सर्जरी हम इस मदद के साथ मुमकिन हो जाती है। देखिए, पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के हवाले से मैं ज़रूर थोड़ी सी मजीद बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये इदारा पिछले कई सालों से इन बच्चों की मदद कर रहा है और अब हज़ारों की तादाद में बच्चों को ऑपरेट करवा चुके हैं या उनकी एंजियोप्लास्टी करवा चुके हैं या एंजियोग्राफी करा सकें। अगर आप जेन्युइनली समझते हैं कि बच्चे का इलाज आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन से राबता करें और वो आपकी हर तरह से हर शहर में और हर जगह में मदद करने के लिए मौजूद है।